हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम अजय और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.2 सॉल्यूशन पे, क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 सॉल्यूशन। उससे पहले थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं कि हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था। हम लोगों ने कुछ फंक्शंस का डेरिवेटिव पढ़ा था, जिसमें साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स का क्या होता है, और टू फंक्शंस के एडिशन डेरिवेटिव क्या होता है। और इसके अलावा ये आप लोगों को बताया गया था कि चैन रूल क्या होता है। उसी चैन रूल का यूज करते हुए आज हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका अवकलन, इसका डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है। तो मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था कि सबसे पहले ये देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। इसको ये साइन के अलावा एक फंक्शन यहाँ पर और है, यहाँ दो फंक्शन है। तो सबसे पहले आप इसको लेट कर लीजिए, एफ एक्स इक्वल टू साइन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसमें आप इसको एफ एक्स की जगह वाई भी लेट कर सकते हैं, इसको एफ एक्स की जगह आप वाई भी लिख सकते हैं। तो y लिख लें या एफ एक्स लिख लें, कुछ भी आप मान लें, पी एक्स मान लें, ये फंक्शन ऑफ x है तो एफ एक्स आपने लिखा। अब साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो क्या बताया था डेरिवेटिव के लिए, सबसे पहले डी बाई डी एक्स एफ एक्स ये लिखना है। जो फंक्शन दिया है एफ एक्स, उसको डी बाई डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स, दोनों पक्षों में आपने दोनों साइड पे अवकलन लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसके बाद अगर आप इसको y मानते तो यहाँ dy वाई बाई डी एक्स आता, यही ट्रेंड पे आजकल चल रहा है dy वाई बाई डी एक्स। अब इसके बाद देखिए इसका अवकलन कराना है तो साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो यहाँ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो यहाँ कॉस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे x तो था नहीं, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। तो जो चैन रूल बताया था वो यही है, डी बाई डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5 का आपको फिर से कराना है अवकलन, एक्स स्क्वायर प्लस 5। आप देखिए कॉस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5 और डी बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ टू फंक्शंस का एडिशन है, एक एक्स स्क्वायर है और ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी है पॉलिनोमियल फंक्शन का एक टाइप है कांस्टेंट फंक्शन, बताया था जब फंक्शन पढ़ाए थे 5.1 के इंट्रो में। तो एक्स स्क्वायर का इन दोनों को अलग अलग करना है, पॉइंट रखना है डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 5। अब देखिए कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, तो यहाँ जरा याद करो कौन सा फार्मूला लगेगा, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, ये याद है एक्स की पावर एन इक्वल टू एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1। तो देखिए इसको जब आप एक्सप्लेन करेंगे इस देखेंगे तो ये इसी फॉर्मेट में है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 प्लस डी बाई डी एक्स 5। आपको याद रखना है कोई कांस्टेंट होता है उसका अवकलन, उसका डेरिवेटिव 0 होता है। अब इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 एक्स स्क्वायर, ये इसका 2x आएगा, पावर 2 माइनस 1 है तो 1 आएगा, तो इसे 2x लिख देंगे, यही इसका आंसर हुआ। मेरी बात कुछ कम समझ में आए, आप खाली पेशेंस के साथ मेरे साथ लगे रहिए, आप कंटिन्यू वॉच करते रहिए, पेशेंस के साथ आप कंटिन्यू वॉच करते रहिए, आपको उसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो अब देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में है कॉस और ब्रैकेट में साइन एक्स। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें वाई लेट कर लेते हैं, वाई कॉस एक्स कॉस साइन एक्स, देख रहे हैं आप लोग कॉस वाई इक्वल टू कॉस
साइन कॉस ब्रैकेट में साइन एक्स, तो क्या लिखना है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई डी एक्स कॉस ब्रैकेट में साइन एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस का अवकलन माइनस साइन, और ब्रैकेट में साइन है तो साइन एक्स लिखेंगे। देखिए कॉस साइन एक्स है, लेकिन हमने क्या पढ़ा था, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन तो आया वो एक्स के प्लेस पे जो था वो लिखा। अब इसके आगे आपको चैन रूल अप्लाई करना है, डी बाई डी एक्स एक्स की जगह क्या है साइन एक्स, तो साइन एक्स का फिर से करा देंगे, तो हो जाएगा माइनस साइन साइन एक्स डी बाई डी एक्स, इसका अवकलन साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, ये यही आंसर हो जाएगा, माइनस साइन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। कुछ समझ आया बच्चों, गर्मी ज़्यादा है और आपको दिख भी रहा होगा मेरे फेस पे। अब देखिए साइन ए एक्स प्लस बी, तो इसे भी वायलेट कर लीजिए, वाई इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। जहाँ आप दो चार क्वेश्चन अपने से करेंगे, जब आप दो चार क्वेश्चन अपने से करेंगे तो खुद से फील आने लगेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी इस फॉर्मेट में लिखा। अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए साइन का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स, तो लेकिन एक्स के प्लेस पे क्या है ए एक्स प्लस बी इंटू, अब ए डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी, ये ए एक्स प्लस बी। तो आपको पता है यहाँ पे एक्स के अलावा जो भी वेरिएबल आते हैं वो एज अ कांस्टेंट होते हैं, तो कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स बी। मेरी बात समझ में आई नहीं आई, देखिए ये दो फलनों का एडिशन है, टू फंक्शंस का सम है ये, तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, दोनों को अलग अलग करना होगा। तो ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो, आपको बताया था कल फार्मूला डी बाई डी एक्स, ए एक्स क्या होता है, ए एक्स होता है कॉस, पहले तो नोट कीजिए कॉस ए एक्स प्लस बी, और इन डॉट लगाइए इन टू लिखिए, ए एक्स का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा और बी का 0 हो जाएगा, तो आंसर आपके पास आ जाएगा यहाँ पर ए कॉस ए एक्स प्लस बी इन, और ए आ ही गया, यही आंसर, यही इसका डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, देखिए देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है सेक टैन रूट एक्स को सबसे पहले वाई इक्वल टू सेक टैन रूट एक्स, इतनी बात तो समझ में आई, इतना कर लेंगे सभी। इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई डी एक्स सेक टेन रूट एक्स, इतना भी कर लेंगे। अब जरा याद करो जो फार्मूले आप लोगों ने पढ़े थे, सेक एक्स का अवकलन, ये सेक एक्स के फॉर्म में, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, होता है सेक एक्स डी वाई डी एक्स, ये आप मेरे साथ लिखिए बोलिए तब आपको याद हो जाएंगे ये फार्मूले, ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, 44 मार्क्स में से आपके 6 से 8 6 नंबर के मैक्सिमम क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज से आने, आप इनको, ये अगर आपको नहीं आएगी तो आप आगे के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, याद कर लीजिए इसको, सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू, तो यहाँ पे सेक ब्रैकेट में टेन रूट एक्स है, तो इसका अवकलन हमको करना है, तो सिंपल है सेक एक्स, एक्स के प्लेस में ये है तो एक्स के प्लेस में यही रख देंगे, क्या लिखेंगे सेक
ब्रैकेट में टेन रूट एक्स और टेन ब्रैकेट में टेन रूट एक्स, इतना हो गया। अब क्या यहाँ पे एक्स था? नहीं था, तो इसका एक बार फिर से आप अवकलन कराएंगे और क्या लिखेंगे? टेन रूट एक्स। तो सेक टेन रूट एक्स टेन टेन रूट एक्स और टेन एक्स का अवकलन बच्चों, टेन एक्स का क्या होता है? सेक एक्स। देखिए टेन एक्स का अवकलन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। तो टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन एक्स के प्लेस पे क्या है? रूट एक्स, तो उसको एज इट इज नोट कर देंगे। अब देखिए एक्स के प्लेस पे रूट एक्स था, तो अब आप इसका रूट एक्स का फिर से कराएंगे, डी बाई डी एक्स रूट एक्स। अब देखिए ये रूट एक्स हुआ, अब तो रूट एक्स का अवकलन, रूट एक्स का मैं यहाँ समझा रहा हूँ। देखिए डी बाई डी एक्स, आपको पता है अगर कहीं रूट एक्स लिखा है तो उसे एक्स की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। तो रूट एक्स डी बाई डी एक्स रूट एक्स का अवकलन करने के लिए आप इसको एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हो। अब एक्स की पावर 1/2 है तो ये फार्मूला एक्स की पावर एन इक्वल टू एन एक्स की पावर n-1 हो जाएगा। अब देखिए एन यहाँ पे क्या है? 1/2, तो 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2-1, तो 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 से 1 माइनस करेंगे, 1/2 से 1 माइनस किया तो पता है क्या आएगा? जल्दी बताओ, -1/2। ये फ्रैक्शन को आपको सॉल्व करना है और आंसर आएगा तो -1/2। जब किसी नंबर की पावर माइनस में होती है तो हम क्या करते हैं? उसको उल्टा कर देते हैं, उस नंबर को उल्टा करते हैं। तो ये यहाँ एक्स की पावर -1/8, तो एक्स की पावर +1/2। पावर ऊपर निगेटिव हो तो उसको नीचे ले आते हैं पॉजिटिव कर देते हैं, और नीचे निगेटिव हो तो ऊपर भेज के पॉजिटिव कर देते हैं। तो एक्स की पावर 1/2, 1/2 इंटू 1/√x। ये आप लोगों ने रूट एक्स को ये लिखा था तो इसको ये भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर रूट एक्स का अवकलन 2 1/2√x होता है, इसको याद कर लीजिए, ये हमेशा आपकी हेल्प करेगा। एक्स रूट एक्स का अवकलन 1/2√x होता है, ये हर जगह 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 आपके काम आएगा, इसको याद भी रखना है और कैसे ये आया ये आपको यहाँ पे समझना भी है। ये यहाँ मैंने पूरा सॉल्व किया है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए और एक बार अपने से भी ट्राई करिएगा। चलिए आगे देखते हैं, रूट एक्स का अवकलन क्या निकाला हम लोगों ने? हम लोगों ने रूट एक्स का अवकलन निकाला 1/2√x। तो सेक ब्रैकेट में टेन रूट एक्स टेन एक्स, टेन एक्स के प्लेस पर टेन रूट एक्स होगा और सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1/2√x, ये इसका आंसर। चेक कर लीजिए एक बार बच्चों, इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिफ्थ नंबर। ये कुछ ज़्यादा इसको जगह चाहिए इसलिए मैंने इधर का इरेज कर दिया। चलिए देखिए वही काम करना है, y इक्वल टू साइन ax+b अपॉन कॉस cx+d। तो अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था एक फार्मूला u अपॉन v के लिए। यहाँ देखिए समझिए, अगर कोई फलन डिवाइडेशन में है, डिवाइड में है, तो उसका dy/dx कैसे करते हैं? dy/dx u अपॉन v, इसका अवकलन आपको करना है। तो छोटा सा आपको ट्रिक याद रखनी है, आपको याद रखना है uv-uv/v2, ये याद रहेगा। और यहाँ पर यू डैश और यहाँ पर वी डैश, यू डैश वी माइनस यू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर। तो यू डैश क्या होता है? यू डैश यानी कि पहले फलन का अवकलन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और वी एज इट इज, वी ये यू ये वी,
तो इसको आप नोट कर लीजिए और बार बार इसको लिखिए। इस फार्मूले को बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो कर देते हैं वी डैश यू, तो गलत हो जाता है। और अगर प्लस में है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस वाले को थोड़ा सा अटेंशन आपको देना पड़ेगा। अब देखिए ये यू ये वी, तो अब इसी फार्मूले से करना है। ये फार्मूला यहाँ आप लोग नोट कर लेंगे, इस फार्मूले को नोट करेंगे आप। तो वाई डैश इसको डी बाई डी एक्स लिखें, डी वाई वाई डी एक्स लिखें, या वाई डैश लिखें, या डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले यू डैश यानी कि इसका अवकलन डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, और वी वी यानी कि कॉस सी एक्स प्लस डी एज इट इज नोट करना है। फिर इसके लिए थोड़ा सा जगह चाहिए, देखिए इस फार्मूले को इस पे अप्लाई करना है। तो वाई डैश इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, और वी एज इट इज तो कॉस सी एक्स प्लस डी नोट कर लिया। फिर इसके बाद माइनस यू एज इट इज साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज नोट किया। फिर वी डैश यानी कि इसका अवकलन तो डी बाई डी एक्स कॉस सी एक्स प्लस डी अपॉन वी स्क्वायर, वी क्या है हमारे पास ये, तो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो वाई डैश इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, तो साइन का अवकलन कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का फिर से कराएंगे क्योंकि यहाँ भी चैन रूल लगेगा। तो ए एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा अवकलन, ए एक्स प्लस बी का देखो इसका ए एक्स का क्या हुआ, ए एक्स का हो जाएगा ए और बी का जीरो इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी एज इट इज कॉस सी एक्स प्लस डी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज और डी बाई डी एक्स कॉस सी एक्स प्लस डी। तो डी कॉस का क्या होता है माइनस माइनस साइन साइन सी एक्स प्लस डी, और सी एक्स प्लस डी का करेंगे तो यहाँ पे भी सी आ जाएगा और अपॉन में क्या रहेगा, अपॉन में रहेगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये अब देखिए अब ये माइनस यहाँ पर इनटू में है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ लिखना है आपको ए कॉस ए एक्स प्लस बी और कॉस सी एक्स प्लस डी माइनस माइनस प्लस साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी, ठीक है। और यहाँ पर सी, तो सी को आगे उठा लाइए सी ये, और अपॉन में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार चेक कर लीजिए आंसर, वेरीफाई कीजिए।